एक तरफ से ट्रैफिक रोका गया है और दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। शाम को भी ऐसे होता है वापसी में? ये तो पूरा दिन यही जाम में लगे रहते हैं। पूरा दिन अब सुबह आया है, शाम को जाएंगे। ये सारा पानी आ गया था यहाँ तक। ये देखिए सारा पानी था, ये सारा पानी निकल तबाह कर दी। तो मेरे देखते देखते ताश की पत्तों की तरह मकान चले गए। ताश की पत्तों की तरह बिल्कुल सारा जो मिट्टी थी सारी की सारी बह के ले गई। अब रोड ही बीच में चली गई, रोड ही नहीं है आगे। यार 2 घंटे हो गए, 2 घंटे जाम में फंसे हुए 2 घंटे अभी। अच्छा हमने आज तक ऐसी दवाई देखी है, लेकिन हमारे फादर की जो मत होगी 80-90 की एज में दुख चुके हैं, उन्होंने बताया कि ऐसी दवाई आज तक नहीं कभी। बारिश की मानसून की मार मनाली कुल्लू वैली में पड़ी है इस बार। ये सारी रोड साइड से रिवर बैंक्स देखिए पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। और गाइस इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रोड जर्नी कुल्लू से लेकर मंडी, क्या रोड सेफ है, क्या आप आ सकते हैं, देखिए पूरी वीडियो। ये देखिए तबाही, देखिए सारी साइड्स वगैरह टूटी हुई हैं। साइट्स देखिए साइट्स, आने से पहले यार ये चीजें देख लीजिए, तबाही देखिए, रोड्स देखिए, आने से पहले ये देखिए आप, बिल्कुल ही सेफ्टी के साथ आइए। ये देखिए साइड्स, देखिए साइड्स, ओहो ये सारा पानी आ गया था यहाँ तक। ये देखिए सारा पानी था, ये सारा पानी निकल तबाह कर दी सारी रोड, देख सकते हो आप। ओहो डर ही लगता है यार, वो देखिए सारा पानी था इधर, सारा पानी यार। क्या जोर क्या है ना, कुदरत के आगे किसी का नहीं जोर, कुदरत के आगे किसी का नहीं जोर। ये जब तैयार होगी ना रोड, ये बहुत अच्छी बनेगी रोड। देखिए यार कितना सुंदर रोड बन रहा था, मगर ये पल भर में सारी तबाही ने सारा कुछ खत्म कर दिया। ओहो ये देखिए और ये टनल के बीच में से, टनल तो कैसे बच गई, टनल बच गई हैं। एक टनल से निकलोगे और दूसरी टनल आपका स्वागत करेगी, एक दो। और सामने देखिए यार पूरी तरह से देखिए तबाह हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा ब्रिज बना हुआ था, मगर ये बरसात के कारण पूरी तरह से देखिए काम चल रहा है अभी लगेगा, समय लगेगा। ड्राइवर भैया भी बोल रहे हैं कि अभी समय लगेगा, अभी अच्छे से रोड तैयार होने में कुछ महीने तो लगेंगे ही। कोई अभी आने का वैसे कोई इतना फायदा नहीं है, बहुत रोड खराब है क्योंकि आगे बिल्कुल सड़क खत्म हो चुकी है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऊपर घर भी पूरी तरह से ग्रस्त हो चुका है। थोड़ा जूम करता हूँ, हाँ जी कहाँ जा रहे हो, कैसे कब खुलेगा जाम, कितना अभी आने का कोई फायदा है वैसे टूरिस्ट लोगों को? देखिए यार मेरे साथ है मनु ठाकुर, है ना, कि मैं दिखा रहा हूँ कि तबाही देखिए, रोड्स बिल्कुल जैम हुई पड़ी हैं, सड़कें तबाह हैं, आने का कोई इतना फायदा नहीं है। अभी रुक जाइए क्योंकि सारा कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ये देखिए यहाँ से मतलब मेन जो है तबाही आई है ना, और ये सारा का सारा नीचे बह कर लेगी, सारा जो मिट्टी थी सारी की सारी बह कर लेगी। अब रोड ही बीच में चली गई, रोड ही नहीं है आगे।
देखिए रोड ही नहीं है यार, अगर आपको दिख रहा है तो ये था पुराना रोड, ये पुराना रोड था। और ये देखिए यहाँ से आई, ऐसे आई मिट्टी का ढेर आया कि वो पुराना रोड बह कर ही ले गया सारा। और आगे आगे कहाँ को मिलता था, कहाँ पे मशीनों के पास? अच्छा इधर है मशीनों के पास, मतलब वैसे आपके माने आप इधर गई हो, तबाही हुई है भयंकर, जो कि मतलब वो काफी सालों बाद हमारी भी मतलब 46 ईयर रनिंग चली हुई है। अच्छा हमने आज तक ऐसी तबाही देखी है, लेकिन हमारे फादर की जो मतलब की 80-90 की एज में ना घुस चुके हैं, उन्होंने बताया कि ऐसी तबाही आज तक हुई कभी नहीं देखी, ऐसी तबाही ओके हमने पहली बार सुना है। अभी टूरिस्ट लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वैसे? अभी तो खैर आ सकते हैं, तो कोई डर भय नहीं है, वो तो बरसात निकल चुकी है। हाँ। अब जो होना हो चुका है, लेकिन अब आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। रोड्स वगैरह का मतलब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन ये मान के 100 में से 40% हो चुका है और 60 बाकी है। हाँ। की तरफ कुल्लू से आगे थोड़ी प्रॉब्लम है, मनाली कुल्लू के बीच में, लेकिन अभी सल्व हो चुकी है। अब बल्बो बस है और हमारी HRTC बस है मतलब मनाली तक, अभी हमारा रोड क्लियर उधर कलकलोंग तक क्लियर है रोड कलकलोंग तक क्लियर है। सो दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रोड ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, मगर इनका मानना है, ये यहाँ के नागरिक हैं, इनका कहना है कि 40% रोड क्लियर हो चुका है, 60% बचा हुआ। ठीक है। और ये है कैंची मोड़ जहाँ पर अभी हम हैं, और ये रोड पूरे से नष्ट हो चुका है, ये रोड नष्ट हो चुका है पूरे से। पहली बार ही ऐसी तबाही हुई है। अच्छा तो ऐसी हुआ नहीं था कभी, तो नुकसान हुआ है इकोनॉमी पैसे की रिलेटेड कुछ भी हिमाचल को? बहुत। अब टूरिस्ट आ रहा है, कम आ रहा है? अभी तो बिल्कुल नहीं कम आया, बहुत कम आ रहा है अभी तो। आप कहाँ से आए हो गाड़ी लेकर अभी? बुंतर से। तो रोड आगे मनाली गए हो? मनाली। मनाली की रोड का कैसी कंडीशन है? सेम ही है। अभी टूरिस्ट लोगों को मतलब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओहो वन वे से निकाल रहा था गाड़ी। ओहो ठंडी कंट्रोल हो गई। नहीं जब यहाँ पे बारिश होती थी सहम जाते हैं लोग? सहम कैसे नहीं जाना। अच्छा मतलब दहशत ही ऐसी पड़ी है इस बार? बड़ी ज्यादा दहशत ना, इससे पहले तो नहीं इतनी दहशत होती थी इस बारी तो। मतलब तो बारिश के नाम से बिकॉज ऑफ फोर लेन, इन्होंने कटिंग ऐसे की है, फोर लेन की है, वर्टिकल कटिंग। आई आल्सो थिंक दिस इज द रीजन। हां दिस इज ओनली बिकॉज आई हैव हर्ड दैट रिवर बैंक्स आर बिकम नैरो। नेचुरली लोग मकान बना रहे हैं रिवर बैंक के साथ। हाँ बिल्कुल। और सारी वो पास करवा लेते प्रशासन सारा कुछ, ये प्रतिबंधित होना चाहिए रिवर साइड में मकान बनाना। ये जो रिवर व्यू होटल बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, पता नहीं गवर्नमेंट इनको परमिशन कैसे दे देती है। या यू आर राइट, इनको परमिशन नहीं होनी चाहिए। परमिशन दो लेकिन एक बेस पर परमिशन दो, कल उनका आपका नुकसान होता, गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल मुआवजा नहीं मिले। हमारे देखते देखते ताश की पत्तों की तरह मकान चले गए। ताश की पत्तों की तरह बिल्कुल, इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने देखा कोई ऐसे मकान आपकी आंखों से? कहाँ पे? बुंतर में सामने मतलब पूरे गए, तो लोगों का जो सामान था अंदर सब कुछ था, कईयों ने निकाल लिया था खतरा देख के, कईयों रह गए अंदर ही। तो इनको प्रशासन ने दिया कुछ? प्रशासन देगा कुछ ना देगा। ये देखिए यार तबाही, मनाली कुल्लू मंडी। अगर आज ही बारिश पड़ जाए ना, आज ही बारिश पड़ जाए, जो ये रोड फिर से बंद करना पड़ना है बिल्कुल। ये टेम्परेरी सड़कें बनाई हुई हैं, टेम्परेरी, क्योंकि ओरिजिनल सड़कें टूट चुकी हैं।